So now we will talk about student leadership skills. Student leadership is about focusing on ability to enable, encourage, and empower others. और ये कौन कर रहा है? Student leader कर रहा है. अगर आप बच्चे की पर encouragement करेंगे, आप उसको empower करेंगे, आप उसको enable करेंगे, तो surely वो इसी characteristics को further डेलीगेट करेगा दूसरे बच्चों में वो भी उन्हें इनेबल करेगा वो भी एक्नॉलेज करेगा वो भी उनको एम्पावर करेगा तो उसमें ये है कि आप बच्चों के एक्शंस को सुबह से ले कर शाम तक अच्छाई और बुराई में डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर उनको अप्रिशिएट करें कहाँ उन्होंने ठीक किया कहाँ उन्होंने गलत किया फिर यही बाद में वो दूसरे बच्चों के साथ बात करेंगे और इसी तरह उनको अप्रिशिएट करेंगे खास तौर पे जो आप बच्चे हैं वो घरों में अपने छोटे जो सिबलिंग्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं देन बीइंग हम्बल एंड टीचेबल आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो हम्बलनेस है वो पैदा करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है ख़्वा वो एजुकेटर उस पर काम करें या वाले करें प्राउड होना अपनी चीज़ों के ऊपर फख्र बेजा फख्र करना मतलब फ़खर करना असल में बुरी चीज़ नहीं जितना दूसरों को हकीर समझना और दूसरों की तहकीर करना जो है वो बुरी चीज़ है तो किसी को किसी बच्चे को इस बात की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो दूसरों की तहकीक करे। रंग की वजह से नस्ल की वजह से उसकी फिज़ीक की वजह से या उसकी कैपेबिलिटी की वजह से बच्चे को ये समझाया जा सकता है कि जो अल्लाह ताला ने हमें शक्लें दी हैं वो सारी अल्लाह की तरफ़ से हैं गॉड गिवन हैं और फिर ये कि हमने किसी ने पहले से कुछ तय नहीं किया हुआ था कि हम किस शक्ल के होंगे या किस जगह पे पैदा होंगे हमारे वालदान कौन होंगे बच्चों को शुरू से ही मिल बैठकर कर आजजी के साथ एक दूसरे की मदद करने एक दूसरे की हौसला अफजाई करने और एक दूसरे को कुछ बनाने की तरबियत देनी चाहिए जिस तरह से वालदान और इस अपने बच्चों को नर्चर करते हैं आप ये तो सब जानते हैं कि हम जिस बर्तन में जो चीज डालेंगे वही बाहर निकलेगी अगर आपने बच्चे बच्चों को नर्चर करना सिखाएंगे क्योंकि लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि लीडर अपनी टीम को अपने फॉलोअर्स को नर्चर करता है तो आप उसको सिखाएंगे तो वो फर्दर अपने साथ के बच्चों को नर्चर करेगा उनकी भी हौसला अफजाई करेगा सो डिसीशन मेकिंग क्या है डिसीजन मेकिंग एक तो जैसे हमने बताया कि एक डिसीजन वो है जो बच्चा अपने बारे में करता है कुछ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन से रिलेटेड है जिसका हम पहले जिक्र कर कराए कि उसके सामने डिफरेंट सिचुएशन होगी जिसमें वो डिसीजन मेकिंग करेगा कि ये सिचुएशन जो है इसका क्या हल है यहाँ पे मुझे क्या करना है कैसे रिएक्ट करना है इसके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमने पीछे भी मेंशन की हैं कि कार्ड्स फ्लो जो हमारे फ्लैश कार्ड्स हैं उनके ज़रिए बच्चे सीख सकते हैं कुछ एक दूसरे को जब हम एग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं उस गेम में भी हम ये कर सकते हैं बच्चों को हम इजाजत देते हैं कि वो एक छोटे सा चैलेंज लें छोटा सा उनको एक डेर दिया जाए जिस डेर को फिर वो रिएक्ट करें और डिसीज़न मेकिंग करें दर हकीकत डिसीशन मेकिंग ये है कि उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने लिए अच्छे और बुरे रास्ते इख्तियार करने की शुरू से ही तरबियत दी जानी चाहिए ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो उनके काम आए तो उस का काम ये है कि वो उनके सामने ऑप्शंस रखें उन ऑप्शन के फ़ायद और नुकसान उनको हल्के फुलके बता दें कि अगर हम ये करेंगे तो इससे ये होगा अगर दूसरी ऑप्शन लेते हैं तो फिर इससे ये होगा ताकि बच्चा खुद से लॉजिकली सोचे और फिर वो डिसीजन मेकिंग करें देन हमें उनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखानी है देखें बच्चे जहाँ भी खेलते हैं मिल के दो चार मिनट के अंदर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है या वो किसी खिलौने पे आ, लड़ रहे होते हैं या ख़ाम में धींगा मुश्ती हो रही है या वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते या एक ने दूसरे की जगह ले ली कोई ना कोई चीज़ बाय तनाजा बाय तनाज़ा ज़रूर बनी रहती है तो दर हकीकत हमें अपने बच्चों को इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना भी सिखाना है और उसका तरीका यह है कि उनको कम्फर्टेबल सोलूशनस दिए जाएँ कि भाई आप इस तरह से करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा जैसे मैंने अर्ज़ किया अगर वो खाने पे लड़ रहे हैं तो खाने को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा सकता है खिलौने पे लड़ रहे हैं तो उनको ऑप्शन दी जा सकती हैं कि कुछ खिलौने आप ले लें कुछ आप ले लें क्योंकि आपको ये ज़्यादा पसंद हैं आपको ये ज़्यादा पसंद हैं प्लेस की बात हो रही है या कोई गेम जैसे हम वहाँ पे उनको आ, टर्न की बारी लेने की आ, आदत बताई जाए कि किस तरह से आप दूसरों को भी मौका देते हैं कि फिर वो बारी लेते हैं क्योंकि अगर वो बारी नहीं लेंगे तो आपकी बारी नहीं आएगी सो हमें उनको लॉजिकली क्लैरिफाई करना है कि कौन सी चीजें उनके हक में बेहतर हैं या दूसरों के हक में बेहतर हैं और किस तरह से हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं और लड़ाई झगड़े में किसको कितना दर्द होता है कितनी तकलीफ होती है इसका एहसास दिलाना भी वालदे या उस की जिम्मेदारी है आप तस्वीर में देख रहे हैं मिलजुल के रहना बच्चों के लिए बहुत बड़ी यानी उनकी खूबी है कि अगर वो एक दूसरे को गले लगाएं उनको हग करें उनको प्यार करें आम हालात में भी बच्चों को बताया जाए कि वो जाएं और दूसरे बच्चे को हक करें प्यार करें उससे अच्छे जज्बात का इजहार करें उसको बताएं कि आप उसको अच्छा समझते हैं वो आपकी बहन है या वो आपका भाई है आप उसको अच्छा समझते हैं फिर ये कि जब भी कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमें उनको ऑप्शन देना बेहतर है कि अगर तीन चीज़ें हैं तो हर बच्चा अपनी अपनी चीज़ लेकर उससे खेल सकता है फिर टीम वर्क जितनी ज़्यादा होगी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा बच्चे सीखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली काम तो उनको ग्रुप में करना ही है तो फिर जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होती वो कर नहीं पाते इसलिए टीम के साथ खेलना ग्रुप के साथ खेलना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बेहतरीन तरीका है